फ्रेंड्स, आई एम काजल। आई एम सागर। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं मौलाना शाकिब रजा मुस्तफाई जी का बयान है नेकी की जजा। तो चलिए शुरू करते हैं। मौलाना, जो कबीरा गुनाह है उनमें जो बड़े कबीरा हैं वो सात हैं, और उन सात में से फिर मजीद बड़े गुनाह हैं वो चार हैं, और वो चार कौन से हैं? अल इशराक बिल्ला, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा गुनाह वउकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना, उनको अजियत पहुंचाना, उनको दुख देना। इमाम गजाली अलैह रहमा ने लिखा है, वालदैन को दुख देना, उनको तकलीफ पहुंचाना, ये वो गुनाह है जिसकी सजा आखिरत में तो है ही है, दुनिया में भी ज़रूर मिलती है। उस शख्स पे निशान लगा लें जो अपने माँ बाप का बेअदब है, गुस्ताख है, आप उसको सारी जिंदगी जलील और रुस्वा होते देखेंगे। बहुत सही बात है। और उस शख्स पर भी निशान लगा लें जो वालदैन का बाअदब है, सारी जिंदगी उसकी पगड़ी का कल्स नीचा होते नहीं देखेंगे। तो कहा कि वालदैन की फर्माबरदारी ऐसा नेक और साले अमल है जिसकी जजा आखिरत में तो है ही है, दुनिया में भी जरूर मिलती है। और वालदैन की नाफरमानी, उकूकुल वालदैन, उनको अजियत पहुंचाना, दुख देना, ये ऐसा जुर्म है जिसकी सजा आखिरत में तो है ही है, दुनिया में भी जरूर ये शख्स सजा काटता है। अल्लाह अकबर। तो वालदैन की नाफरमानी करने वाला, कबीरा गुनाहों में से भी जो बड़े गुनाह हैं, अकबरुल कबायर जो हैं, उसका मुर्तकिब होता है। और तीसरा फरमाया व कत्लुन नफ्स, और किसी जान को कत्ल करना। जिसने किसी एक जान को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, और जिसने किसी एक शख्स की जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई। और ये भी सुन लीजिए, हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया कि जिसने किसी शख्स के कत्ल में आधे जुमले से भी मदद की, कत्ल नहीं किया, कत्ल करने में आधे जुमले से मदद की, कयामत के दिन अल्लाह की रहमतें उसे नसीब नहीं होंगी। उभारा, किसी को तरगीब दी, हलाशेरी दी, किसी के कत्ल में उसने आधे जुमले, जुमला भी पूरा नहीं है, आधा जुमला। अब वो सोच लें जो लोग जानते बूझते कि ये कातिल है लेकिन इंक्वायरियों पे जा रहे होते हैं कि ये हमारा रिश्तेदार लगता है, ये हमारी बरादरी लगती है, कि वो कितने बड़े जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो कत्ले इंसानी बहुत बड़ा जुर्म है। आखिरी बात वल यमीनुल खमूस, और फरमाया कि जो झूठी कस्में उठाते हैं तो ये एक ऐसा जुर्म है। वैसे भी झूठ बोलना भी बहुत बड़ा जुर्म है, और झूठी कस्म उस झूठ को एहतमाम से बोलना है। बस का जुबान से झूठ निकल जाता है, कुछ लोग बात बात पे झूठ बोल देते, ये भी जुर्म है। झूठी बात करना, झूठी गवाही देना, झूठी कस्म उठाना, तो ये चार चीज़ें खास तौर पे अल्लाह के महबूब का जो फरमान है कि चार चीज़ें कबीरा गुनाहों में से भी बड़े कबीरा गुनाहों में शामिल हैं। उनमें से एक अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, दूसरी बात उकूकुल वालिदैन, वालदैन की नाफरमानी, तीसरी बात जो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाई वह कत्लुन नफ्स, किसी शख्स का कत्ल करना। तो अल्लाह ताला हम में से हर एक को महफूज फरमाए, कभी ऐसा सोचे भी ना, चाहे हमारा बदतरीन दुश्मन ही क्यों ना हो और वो हमें कितना भी ज़रा क्यों ना पहुँचाए और कितनी ही तकलीफ हमें क्यों ना दे, तो हम कभी भी ना सोचें कि फलां शख्स को हम इस तरह का कोई नुकसान पहुंचाएं। चौथी चीज़ झूठ, और वो मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, झूठी कसम करना।
अल्लाह मुझे आपको अपनी राहों का मुसाफिर रखे और अपनी खास करम नवाजियों से माला। तो अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा वीडियो था बहुत। और मेरे ख्याल से मौलाना जितना भी है सभी अच्छे बयान देते हैं, पर कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि पूरी लेक्चर में जो सिखाया जाता है वैसे पढ़ाते हैं और पूरा याद हो जाता है, उनके एक एक शब्द मतलब दिल को छू जाते हैं और ऐसा लगता है कि ये हमेशा हमेशा। अभी अगर कभी भी अगर पूछेंगे ना कि चार ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे अल्लाह खुश नहीं होते हैं, तो आसानी से बता सकते हैं कि अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना और मम्मी पापा की या माँ बाप की नाफरमानी करना, और एक थी झूठ बोलना और कत्ल करना। और नहीं, कत्ल में शरीक होना, मतलब कत्ल में थोड़ा भी अगर हम शामिल हुए ना तो भी रहमत नहीं मिलती है अल्लाह के आखिरत में। तो इतने सिंपली तरीके से इन्होंने बताया कि पूरा याद हो गया है और इसको अमल भी करेंगे हम अपनी जिंदगी में। वो जो मतलब बातें बताते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सुनते ही जाओ और बहुत अच्छा। और मुझे लगता है कि ऐसे जो मौलाना होते हैं ना, वो टीचर्स होने चाहिए स्कूलों में। कि टीचर्स से क्या कम काम करते हैं क्या, मतलब नहीं, स्कूलों में बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार हो जाएंगे अगर ऐसे पढ़ाएंगे, अगर सब्जेक्ट्स तो बयान भी सुनने चाहिए मतलब। और कई कई क्या बोलते हैं उसे, क्या यूनिवर्सिटी में बयान सुने जाते हैं। हाँ, मैंने बहुत जगह देखा है कि यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत बड़े मौलानाओं का बयान रखा जाता है। हाँ, और ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है। हाँ, कि बच्चों को मतलब स्टूडेंट को ये जब दिखाएंगे हम कि हम के मतलब टीचर क्या सिखाते हैं और मौलाना क्या बोलते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है और इसलिए बहुत ज़्यादा और नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज हमें मिल जाती है, जैसे हमें आजकल मिल रही है वीडियोस के ज़रिए। तो बहुत अच्छा वीडियो था और बहुत अच्छा लगा हमें, और बहुत ज़्यादा सीख मिली ज़िंदगी में, और एक सीख मतलब और एक इसमें से तीन तो हम कर सकते हैं, एक नहीं कर सकते, कत्ल नहीं कर सकते हम कभी, और माँ बाप की नाफरमानी भी नहीं करेंगे। पर एक जो पहले वाला बताया कि अल्लाह के साथ शरीक करना, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगा मेरे ख्याल से। हाँ, तो अल्लाह तो मतलब एक ही होता है, भगवान। हाँ, भगवान और अल्लाह तो एक ही, अभी हो गया जुर्म। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे।